नमस्कार दोस्तों, फैक्ट फिट में आप सभी का स्वागत है। हम सबको पता है कि मसल्स हमारी जिंदगी में कितना कीमती है, क्योंकि ये खाली बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि आम इंसान के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे उन 5 मसल बिल्डिंग मिथ्स की जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। मिथ नंबर 1, मसल बिल्डिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने से ही होती है। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। मसल ग्रोथ कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज पर डिपेंडेंट बिल्कुल ही नहीं है। मसल ग्रोथ के रास्ते में कई लोग आपको मिसलीड करेंगे कि भाई डेडलिफ्ट कर नहीं तो मसल ग्रोथ नहीं होगा, अरे भाई बेंच प्रेस में मैक्सिमम वेट उठा नहीं तो ग्रोथ ही नहीं दिखेगा। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी टॉम डिक एंड हैरी की सजेशन को आंख बंद करके फॉलो ना करें, नुकसान ही होगा। मसल ग्रोथ के लिए आप वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल जॉइंट एक्सरसाइज हो जैसे कि बाइसेप्स कर्ल या प्रीचर कर्ल या लेग एक्सटेंशन, या फिर मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस इत्यादि। मसल ग्रोथ फ्री वेट से भी किया जा सकता है और मशीन से भी। कोई भी एक चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप घबराएं बिल्कुल ही नहीं, जो अवेलेबल है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। मिथ नंबर 2, मसल ग्रोथ की रेंज 8-12 रेपिटेशन ही होती है। ये धारणा सदियों से चली आ रही है कि मसल ग्रोथ करने के लिए आपको हर एक्सरसाइज में 8-12 रेपिटेशन लगाना होगा। करेंट रिसर्चेस ये बताते हैं कि मसल ग्रोथ 1-30 रेप्स के अंदर भी पॉसिबल है। यहां पर खाली रेपिटेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हर हफ्ते या हर कुछ हफ्ते बाद आप वेट्स बढ़ा सकते हैं या रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं या फिर सेट्स बढ़ा सकते हैं, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, अर्थात आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। मिथ नंबर 3, यू हैव टू शॉक टू ग्रो द मसल्स। एकदम ही नहीं, अगर आप मसल्स को शॉक देंगे तो आपकी बॉडी भी शॉक में चली जाएगी। शॉक के चक्कर में इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आप हर बार एक्सरसाइज चेंज करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि करंट एक्सरसाइजेस को बेहतर बनाने की आवश्यकता जरूर है। टोटल वॉल्यूम लोड बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करते हैं कि वीक 1 में आप 10 kg वेट लेकर एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें आप 10 रेपिटेशंस मारते हैं और इसका 3 सेट्स मारते हैं, तो आपका टोटल वॉल्यूम लोड होता है 10 × 10 × 3 300। नेक्स्ट वीक हम 10 रेपिटेशंस की जगह 11 की कोशिश करते हैं, तो टोटल लोड होगा 10 × 11 × 3 330। इसके अगले वीक हम या तो वेट्स या रेपिटेशंस या सेट्स बढ़ाएंगे ताकि टोटल लोड बढ़ सके। जब टोटल लोड बढ़ेगा और आपकी डाइट अच्छी होगी तो रिजल्ट्स जरूर दिखेगा। मिथ नंबर 4, लिफ्ट हैवी डिस्पाइट पुअर फॉर्म। ये काम तो एकदम ही नहीं करें। कोई भी एक्सरसाइज को मास्टर करने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्म सीखें। जब फॉर्म सही होगा तो आप धीरे धीरे वेट बढ़ा सकते हैं। अगर आप गलत फॉर्म से ज्यादा वेट उठा लेते हैं तो आपके टारगेट मसल्स ग्रुप पर उतना टेंशन नहीं रहेगा और ट्रेनिंग भी इफेक्टिव साबित नहीं होगी। बिसाइड्स इससे इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मिथ नंबर 5, यू हैव टू ईट बिग टू गेट बिग। जब मैंने वेट ट्रेनिंग चालू की थी तो मुझे भी रैंडम एडवाइस मिलती थी, इवन फ्रॉम एक्सपीरियंस लिफ्टर्स, की हाथ में जो कुछ भी आए बिना सोचे समझे खाओ। अब समझ में ये आता है कि यह स्ट्रैटेजी एकदम ही वाहियात है। अगर ग्रोथ हो भी गई तो उसके साथ चर्बी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सही स्ट्रैटेजी है कि आप सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को फिगर आउट करें, उससे 300 कैलोरी ज्यादा खाएं, जिसमें कि 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन हो। बस इतना ही करना है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि डाइट प्लान कैसे बना जाए तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। लिंक हमने इन्फो कार्ड और वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों में ही दे दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आपने आज कुछ नया सीखा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।